दोस्तों वीकेंड के वार की शूटिंग चल रही है बिग बॉस के सेट पे और अनिल कपूर जी इस समय क्लास नहीं लगा रहे हैं लेकिन ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं सना मकबूल खान को और रणवीर शौरी को। शायद यहाँ पर रणवीर शौरी ना होते तो क्लास ही लग रही होती और अगर यहाँ पर सना मकबूल खान की जरा भी गलती होती तो शायद एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट बिग बॉस के मेकर लिख करके आते और सना मकबूल की बैंड बजाते, क्योंकि लगातार हर एक एपिसोड पे जितनी बार भी वीकेंड का वार हुआ है हर बार अच्छी खासी सना मकबूल की बैंड बजाई है अनिल कपूर ने। छोटी छोटी गलतियों को लेकर के भी अच्छी खासी बैंड बजाई है। आखिर होता क्या है पूरा माजरा कि जब पीछे टास्क हुआ था फूलों की बगिया वाला तो उस पर एक झगड़ा हो जाता है रणवीर शौरी के बीच में और सना मकबूल खान के बीच में। सना मकबूल उखाड़ रही होती है फूलों को और रणवीर फूल लगा रहे होते हैं और इसी बीच में रणवीर और उनके बीच में कुछ इस तरीके की बातें होती हैं कि भाई मेंढक जैसी आंखें, फिर वो बोलते हैं कि नागिन बोलते हैं रणवीर शौरी, तो बोलते हैं कि गटर 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 को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ है, मतलब गटर वाली बात आई है वहाँ पर और गटर को लेकर एक लंबी चौड़ी गटर गाथा चल गई। वहाँ पर रणवीर शौरी बोलते हैं गटर छाप और फिर इसके बाद सना बोलती हैं कि आप गटर के कीड़े नाली के कीड़े जो भी बोलती हैं, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बहस चलती है और कई अभद्र शब्दों का प्रयोग वहाँ पर एक दूसरे के लिए किया जाता है। अगर बात करें रणवीर शौरी की जो कि काफ़ी उम्र दराज हैं एक एक्टर हैं तो उनके मुंह से कुछ इस तरीके की बातें कम शोभा देती हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर ये हुई कि आप सामने किसी से झगड़ रहे हो वहाँ पर सना मकबूल भी बोल रही हैं वो भी गलत बोल रही हैं, उनको भी अपने से बड़े एक्टर से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन रणवीर जो पीठ पीछे बुराइयां करते हैं सना मकबूल खान की, पीठ पीछे उनके करेक्टर पे उंगलियां उठाते हैं हर बात में बोलते हैं कि ऐसे करेक्टर के लोग जीतना चाहते हैं, अक्सर ऐसे करेक्टर के लोगों को मैं तो कैमरे के अलावा कभी इनके पास जाऊं मत, ऐसे लोगों के पास मैं तो बैठूं ना, बहुत सारी बातें ये बोलते हैं। तो इन बातों को लेकर के वहाँ अनिल कपूर जी समझाते हैं रणवीर को और सना मकबूल को भी कि भाई इस तरीके से अगर आप किसी के पीठ पीछे बात करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है और इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। गंदी नाली का कीड़ा आपने चुड़ैल बोला, नागिन बोला, उसने भी बोल दिया भाई कि आप गंदी नाली कीड़ा बोले, गटर छाप बोल दिया और ये तो सारा सब ठीक था, लेकिन आप किसी के चरित्र को लेकर के उंगली उठा रहे हैं। ऐसे करेक्टर के लोग, मतलब रणवीर शौरी जैसे लोग बोलते हैं ऐसे करेक्टर के लोग, मतलब वो लड़की अगर वहाँ पर बैठ रही है विशाल के पास और वहाँ पर जा करके लवकेश के पास, तो उसके करेक्टर पर आप उंगली उठा देते हो, मतलब आप कैसे जज कर सकते हो किसी के करेक्टर को। तो यहाँ पर रणवीर शौरी गलत होते हैं और इस बात को लेकर के अनिल कपूर उनको समझाने का प्रयास करते हैं। शायद वो रणवीर शौरी भी एक उम्रदराज एक्टर हैं जिस वजह से समझाने का प्रयास किया जाता है, अन्यथा एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट बनकर के आती है और उनकी भी क्लास लग गई होती तो बिग बॉस के घर के अंदर ये सारी चीज़ें सिनेरियो चल रहा है कि वहाँ पर रणवीर को भी समझाया जा रहा है। बाकी बिग बॉस के घर के अंदर एक बेहतरीन टास्क हुआ है और उस टास्क के बारे में भी आपको हम वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो आपको मिलेगा जिस पर टास्क के बारे में आपको जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।